Today's topic is lattice plane and Miller indices. So today's topic is a very confusing topic, because what is the difference between the Miller indices and the lattice plane? Before discussing the Miller indices, we discuss the lattice plane. First of all, what is the lattice? Lattice ka meaning kya hai? Lattice means, English meaning of the lattice is cluster. And cluster means, in Hindi meaning of the cluster is guchha. Means lattice ek guchha hai. Kis cheez ka guchha hai? Humne ek example ke liye dekha. Agar humne cluster ko dekha, aur kiske cluster ko dekha? Ek grapes ke cluster ko dekha. उस क्लस्टर के अंदर ग्रेप्स क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एटम है. मींस ग्रेप्स बिहेव लाइक एज ए एटम. सो एटम ऑफ ए ग्रेप्स इन ए क्लस्टर दे आर टू बी अरेंज्ड इन ए सम सिस्टमेटिकल मैनर, सम ज्योमेट्रिकल मैनर, सम पीरियोडिकल अरेंजमेंट. Such type of arrangement are called the lattice, and that lattice is a lattice of a grapes. In physics, if we study solid is also a lattice, and in solid the lattice is of a atoms. So in solid, atoms are closely packed together by strong interatomic force and very small interatomic space. Agar main example ke liye is wall ko dekhun, that is in the form of a solid. Ye wall kis cheez ki bani? Bricks se bani. Bricks ko humne kya kiya? Force lagakar combine kar diya. One by one ko humne join kar diya. इसका मतलब ब्रिक्स को हमने एक सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट दिया, वन बाय वन दिया, उसको रिपीट किया, उसके ऊपर अगेन रिपीट किया, तो ये पूरी की पूरी वॉल बन के तैयार हो गई. मींस दैट वॉल इज ए लैटिस ऑफ ए ब्रिक्स. इन दैट लैटिस ब्रिक्स आर टू बी अरेंज्ड इन ए सम सिस्टमेटिकल मैनर, सम पीरियोडिकल मैनर, सम ज्योमेट्रिकल मैनर. And this arrangement of bricks are called the lattice of wall. In the same way, in solid, atoms are to be arranged some systematical manner, some geometrical manner, some periodical manner without any defect. That is called the lattice. Means हमारा जो भी solid होगा वो क्या होगा? एक गुच्छा होगा. किन का गुच्छा होगा? एटम का गुच्छा होगा. क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड की एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट के अंदर कम से कम कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 10^23 एटम होते हैं. और ये 10^23 एटम्स क्या होते हैं? दे आर टू बी क्लोजली पैक होते हैं. दे आर टू बी क्लोजली पैक टूगेदर बाई स्ट्रॉन्ग इंट्राटोमिक फोर्स एंड वेरी स्मॉल इंट्राटोमिक स्पेस. मीन्स इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, इसलिए ये अपने मेन पोजीशंस के ऊपर वाइब्रेट करते हैं. तो ये वाली चीज क्या बनती जाएगी? ये सॉलिड क्या बन जाएगा? एक लैटिस बन जाएगा और एटम्स का बन जाएगा. तो हम यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लैटिस को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. तो ये ब्लैक बोर्ड मेरे पास कैसा है? एक प्लेन है. तो हम इस प्लेन के अंदर अगर मैं लैटिस बनाऊंगा तो सिर्फ किस चीज की बनाऊंगा? पॉइंटों की बनाऊंगा. और मैं पॉइंट किस से ड्रॉ करूंगा? मार्कर से ड्रॉ करूंगा. मींस हमें लैटिस को ऐसे बनाना है, जो ये मैं पॉइंट ड्रा कर रहा हूं, मींस इस पॉइंट के सराउंडिंग में जो एनवायरमेंट है वही एनवायरमेंट इस पॉइंट के सराउंडिंग में होना चाहिए, वही एनवायरमेंट इस पॉइंट के सराउंडिंग में होना चाहिए, वही एनवायरमेंट इस पॉइंट के सराउंडिंग में होना चाहिए. मींस Our aim is to be draw a lattice on that plane of a point. Means points are to be arranged some systematical manner. Systematical manner means
जो इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अगले पॉइंट के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस इन दो अगले पॉइंट के बीच में, उतना ही डिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच में। अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस ए माना है तो ये सारा डिस्टेंस कितना बनेगा, ए बनेगा। अगर ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का ये वाला डिस्टेंस बी है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना बनेगा, बी बनेगा। यहां से ये वाला डिस्टेंस भी कितना बनेगा, बी बनेगा। यहां से ये वाला डिस्टेंस भी बी बनेगा। तो सच टाइप ऑफ ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट, सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट, पीरियोडिकल एक के बाद एक का अरेंजमेंट ऑफ इन पॉइंट का, किसके अंदर, इस प्लेन का, तो ये क्या बन गया, एक गुच्छा बन गया। किसका गुच्छा बन गया, पॉइंटों का गुच्छा बन गया। तो हमने इस गुच्छे को क्या नाम दे दिया, एक लैटिस का नाम दे दिया। और ये लैटिस किस चीज की बनी, पॉइंटों की लैटिस बनी। मीन दैट इज ए लैटिस ऑफ ए पॉइंट ऑन दैट ब्लैक बोर्ड। तो हमने एक लैटिस को बनाया, किसके ऊपर बनाया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाया। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर बनाते टाइम भी सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा, एनवायरमेंट सराउंडिंग एनी वन ऑफ द पॉइंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एनवायरमेंट टू एनी अदर पॉइंट ऑफ दैट लैटिस। तो लैटिस क्या बन गई, अगर हमें लैटिस को डिफाइन करना है तो ये इसमें मैंने बोला हूं, इस पॉइंट के सराउंडिंग में जो एनवायरमेंट है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में जो एनवायरमेंट है, वो सब सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये लैटिस कैसे एक होमोजीनियस है, होमोजीनियस डाटा टाइप है। अगर कंप्यूटर के रूप में देखें तो कंप्यूटर में होमोजीनियस डाटा टाइप क्या बताता है, अगर करेक्टर लेना है तो करेक्टर ही लेना है, अगर फ्लोट लेना है तो फ्लोट ही लेना है, अगर इंटीजर लेना है तो इंटीजर ही लेना है। इसका मतलब दैट इज ए होमोजीनियस डाटा टाइप, मींस होमोजीनियस पॉइंट हमें लेने हैं। एनवायरमेंट सराउंडिंग एनी वन ऑफ द पॉइंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू एनवायरमेंट टू अदर पॉइंट ऑफ दैट लैटिस, मींस हमें पॉइंटों को इकट्ठा कर देना है और ऐसे इकट्ठा कर देना है जो एक पॉइंट के सराउंडिंग में एनवायरमेंट है वही एनवायरमेंट हर पॉइंट के सराउंडिंग में होना चाहिए। तो इन पॉइंटों की ये क्या बनेगी, एक लैटिस बनेगी। और इस लैटिस किसके अंदर बनाया, मैंने इस लैटिस को इस प्लेन के अंदर बनाया, तो ये क्या बन गई, दैट इज कॉल्ड ए प्लेन लैटिस, नॉट ए लैटिस प्लेन, दैट इज कॉल्ड ए प्लेन लैटिस बन गई। मींस इस प्लेन के अंदर इन पॉइंटों को इकट्ठा किया और सिस्टम से इकट्ठा किया, तो दैट इज कॉल्ड ए प्लेन लैटिस ऑफ द पॉइंट ऑन दैट प्लेन। अब नाउ कम टू द लैटिस प्लेन। हम प्लेन जानते हैं, अगर हम किसी भी ग्राफ पेपर में कोई प्लेन बनाते हैं तो हमें एक एक्स एक्सिस लेना पड़ता है, ऐसे एक हमें वाई एक्सिस लेना पड़ता है, एक जेड एक्सिस लेना पड़ता है। इसका मतलब ये क्या है, एक लाइन है, ये वन डायमेंशनल में लाइन है एक्स एक्सिस। अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया इस डायरेक्शन में, ये वाई बन गया। अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, ये जेड बन गया, थ्री डायमेंशन में आ गया। इसका मतलब कोई भी लाइन अगर इन लैटिस पॉइंट में से पास करे, ए लाइन पासिंग थ्रू दीज लैटिस पॉइंट, ए लाइन पासिंग थ्रू दीज लैटिस पॉइंट आर कॉल्ड द लैटिस प्लेन। और इस लैटिस के अंदर मैं किसी भी वे में प्लेन को ड्रा कर सकता हूं। मैंने ये लाइन ऐसे भी पास कर दी इन पॉइंटों में से, तो ये भी क्या बन गया, मेरे पास एक लैटिस प्लेन बन गया। मैंने इन पॉइंटों में इसी लाइन को ऐसे भी पास कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, मेरे पास एक लैटिस प्लेन बन गया। अगर मैंने इस लाइन ऐसे कोई लाइन को पास कर दिया, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, एक लैटिस प्लेन बन जाएगा ऐसे। इसका मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर लैटिस के अंदर मैं डिफरेंट तरीके से क्या ड्रा कर सकता हूं, लैटिस प्लेन को ड्रा कर सकता हूं। इसका मतलब ये लैटिस प्लेन सिर्फ इस लैटिस के अंदर क्या बताएंगे, ओरिएंटेशंस बताएंगे इन प्लेन की। मींस इस लैटिस के अंदर इस ओरिएंटेशन के अंदर प्लेन है, या इस ओरिएंटेशन के अंदर प्लेन है, या इस ओरिएंटेशन के अंदर प्लेन है, या इस ओरिएंटेशन के अंदर प्लेन है। मींस किसी भी एक पर्टिकुलर लैटिस के अंदर हर ओरिएंटेशन के अंदर लैटिस प्लेन हो सकते हैं। मींस ये वाला कौन सी ओरिएंटेशंस को बता रहा है, दैट इज यहाँ पे एक्स मेरा जीरो है, ओनली वाई कोऑर्डिनेट है, जेड भी मेरा जीरो है। मींस ये ओरिएंटेशन के अंदर ये प्लेन बनेगा, किसके अंदर प्लेन बनेगा, इस लैटिस के अंदर बनेगा। कितने प्लेन बनेंगे, एक बन गया, दो बन गया, तीन बन गया, चार बन गया, पांच बन गया, इनफाइनाइट बन सकते हैं।
ये मेरा एक ओरिएंटेशन है, कौन सी ओरिएंटेशन है, इसमें ओनली एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई जीरो है, जेड जीरो है, इसका मतलब इस ओरिएंटेशन के अंदर, इस लैटिस के अंदर कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। ये मेरे पास एक और ओरिएंटेशन है जिसके अंदर, इसके अंदर एक्स भी कोऑर्डिनेट है, वाई भी कोऑर्डिनेट है, लेकिन जेड नहीं है इस केस के अंदर। तो इस ओरिएंटेशन के अंदर, इस लैटिस प्लेन, इस लैटिस के अंदर कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। मीन्स व्हाट इज द लैटिस प्लेन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लेन, ए लाइन पासिंग थ्रू दीज लैटिस पॉइंट आर कॉल्ड द लैटिस प्लेन। एंड लैटिस प्लेन गिव द ओरिएंटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन विद इन द लैटिस। मींस लैटिस प्लेन हमें सिर्फ क्या बताएगा, ओरिएंटेशंस बताएगा किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। व्हाट इज लैटिस प्लेन, ए पॉइंट, ए लाइन पासिंग थ्रू दिस लैटिस पॉइंट आर कॉल्ड द लैटिस प्लेन। And what is the physical significance of the lattice plane? Lattice plane give only orientation in a one particular direction within the lattice. That is the physical significance of the lattice plane. अब ये तो मैंने एक पर्टिकुलर लैटिस प्लेन ब्लैक बोर्ड के ऊपर बना दी और इन लैटिस पॉइंटों में से लाइन को पास कर दिया और मैंने कहा दीज आर कॉल्ड द लैटिस प्लेन। लेकिन मेरे पास जो लैटिस को मैं फिजिक्स में स्टडी करूंगा वो किसके अंदर स्टडी करूंगा, सॉलिड के अंदर स्टडी करूंगा। तो सॉलिड तो अंदर, कोई भी जब चीज बनती है तो सॉलिड के अंदर कैसे स्टडी करें, इस वॉल के अंदर हम कैसे स्टडी करें, मेन पॉइंट इज टू बी दैट। मीन हाउ टू डेजिग्नेट ए लैटिस प्लेन विद इन द सॉलिड और विद इन ए क्रिस्टल। हम किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो सॉलिड का बना हुआ है उसके अंदर ये वाले लैटिस प्लेन, ये वाले लैटिस प्लेन, ये वाले लैटिस प्लेन कैसे ड्रॉ करें, हम तो इस पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज हो गए। तो मिलर इज द साइंटिस्ट, मिलर एक साइंटिस्ट आया और मिलर ने एक मेथड को निकाला कि हाउ टू डेजिग्नेट ए लैटिस प्लेन विद इन द सॉलिड विद इन द क्रिस्टल। और उसने एक मेथड को दिया, बहुत सोच समझ के उसने एक मेथड को दिया। और क्या मेथड को दिया, क्योंकि तुम्हें ये लैटिस प्लेन किसके अंदर, इस लैटिस के अंदर ड्रा करने हैं, अंदर ड्रा करने हैं, बाहर तो नहीं ड्रा करने। इसका मतलब तुम इस सॉलिड के अंदर जाना चाहते हो। अगर अंदर जाना चाहते हो तो इस सॉलिड की डायमेंशन मेरे पास कोई ना कोई मिलेगी। देखो ये वाली डायमेंशन है और मैं इस सॉलिड के अंदर जाना चाह रहा हूं। अगर सपोज करो यहां से ये वाली डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है तो मैं इसको बढ़ाकर तो इसके अंदर जाऊंगा नहीं, और आगे इससे चला जाऊंगा। इसके अंदर अगर जाना है तो इसकी डायमेंशन 10 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 8 कर दूं तो इसके अंदर आ जाऊं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो मैंने एक बड़ी कटोरी ली, यहां पे एक ये कटोरी ली, मैं इस कटोरी के अंदर जाना चाहता हूं। अगर मैं बड़ी कटोरी लूंगा तो इसके ऊपर वो कटोरी जाके प्लेस कर जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी। तो हमें क्या लेना पड़ा, एक छोटी कटोरी ली जो इसके अंदर चली गई इजीली। इसका मतलब हमने जो पहले फर्स्ट कटोरी ली थी, दूसरी कटोरी के डायमेंशंस को रिड्यूस करके उसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब मिलर ने क्या कहा था, जो तुम्हें सॉलिड गिवन मिलेगा और उसकी डायमेंशन तुम्हें तीनों एक्सिस के ऊपर गिवन मिलेगा। सपोज करो ये मेरे पास सॉलिड है, कोई भी मैंने ये सॉलिड बना दिया, तो ये मेरे पास सॉलिड है और ये तीनों डायमेंशंस के ऊपर है मेरे पास। इसका मतलब ये तीनों डायमेंशंस के ऊपर है, ये मेरा अगर सपोज करो मैं एक्स ले रहा हूं, ये मैं सपोज करो वाई ले रहा हूं, ये वाला मेरा सपोज करो वाई है, ये वाई है ये वाली चीज, और ये वाला मेरा जेड है। तो ये वाला सॉलिड तीनों एक्सिस के ऊपर तुम्हें क्या देगा, इंटरसेप्ट देगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट देगा। मीन्स अगर इस कमरे को मैं देखूं तो इस कमरे के आगे भी एक कमरा है, इस कमरे के ऊपर भी एक कमरा है। तो इस कमरे के ऊपर मेरे पास, इस अगर मैं इसी यूनिट को स्टडी करूं तो मेरे पास एक ये यूनिट है, आगे भी मैंने इसके एक यूनिट बना सकता हूं, ये यूनिट बन जाएगी, इसके आगे भी एक यूनिट बन जाएगी, ये वाली यूनिट बन जाएगी, और ये एक्सिस आगे चला जाएगा ऐसे एक्स एक्सिस। तो इसके आगे भी मैंने ये दूसरी यूनिट बना दी, इसके आगे एक और यूनिट बनेगी। इसका मतलब मेरा इंटरसेप्ट जो आया है एक यूनिट सेल का, क्योंकि मैं सॉलिड को स्टडी कर रहा हूं तो किसको स्टडी करूंगा, सिर्फ एक यूनिट को स्टडी करूंगा। ओके, तो अगर ये वाला इंटरसेप्ट आया, मेरे को नहीं पता कितने पे आया, सपोज करो मैंने माना 10 सेंटीमीटर के ऊपर आया एक्स एक्सिस के ऊपर,
इससे आगे दूसरा इंटरसेप्ट यहां पे आएगा 20 सेंटीमीटर के ऊपर, एंड सो ऑन सो फोर चलता जाएगा। मेरा यहां पे एक इंटरसेप्ट आया, ये सपोज करो 9 सेंटीमीटर के ऊपर आया, इसके ऊपर भी एक यूनिट बन जाएगी। ये वाला इंटरसेप्ट आया मेरा सपोज करो 8 सेंटीमीटर के ऊपर। तो फिजिक्स सेंटीमीटर को नहीं जानती, फिजिक्स सिर्फ क्या जानती है, इसके अंदर प्रिमिटिव्स है, फंडामेंटल वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर, और उसकी वैल्यू कितनी है एक्स एक्सिस के अंदर। फिजिक्स ये कहती है मैं सेंटीमीटर को नहीं जानती, डायमेंशन को नहीं जानती, मैं सिर्फ डायरेक्शन जानती हूं। जैसे मैंने ये यहां से एक एक्सिस को ड्रॉ किया और यहां पे जीरो है और यहां से फाइव है, इसके बीच में कितने डिवीजन है, पांच डिवीजन है, ऐसे पांच डिवीजन है, 1 2 3 4 5। एक डिवीजन कितने का है, 1 सेंटीमीटर का, ये अगला 1 सेंटीमीटर का, ये अगला 1 सेंटीमीटर का, ये अगला 1 सेंटीमीटर का, यहां तक ये अगला 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। फिजिक्स ये कहती है मैं ये नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इसको क्या जानती हूं, दैट इज कॉल ए। ये वाला भी मेरे पास क्या है, ए, तो ये वाला भी मेरे पास क्या है, ए, ये वाले भी मेरे पास क्या है, ए, ये वाला भी क्या है, ए। तो मेरा जो इंटरसेप्ट यहां पे आया वो कितने पे आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 5 ए के ऊपर जाके। इसका मतलब फिजिक्स क्या कहना चाह रही है, मैं तो इस इंटरसेप्ट को जानती हूं, किसकी टर्म में जानती हूं, इसकी फंडामेंटल वेक्टर्स की फॉर्म में जानती हूं, और ये फंडामेंटल की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी कितनी है, दैट इज इक्वल टू प्रिमिटिव्स कितनी है, इसका ए है। तो इसका फर्स्ट इंटरसेप्ट जो आएगा वो कितने पॉइंट के ऊपर आएगा, 10 ए के ऊपर आएगा। इसका वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट आएगा वो 9 बी के ऊपर आएगा। अगर सिंपल क्यूबिक है तो 10 ए ये मिलेगा मेरे को, 10 ए ये मिलेगा, 10 ए ये मिलेगा, अदरवाइज एनीथिंग इज टू बी। ये यहां पे कितने पे मिलेगा मेरे को, 8 सी के ऊपर मिलेगा। अब फिजिक्स तो ये कहती है कि डायमेंशन मैंने दे दी, तो ये डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, तो हम यहां पे हम 10 नहीं लिख सकते। तो फिजिक्स ने क्या कहा, मैं यहां पे पी ए लिखूंगा। यहां पे 9 को मैंने क्या लिख दिया, 9 को मैंने लिख दिया क्यू बी, और 8 को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज इक्वल टू आर सी। तो मिलर ने सबसे पहले क्या कहा, मिलर ने अगर ये बोला कि अगर तुम किसी भी यूनिट सेल के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर इन प्लेन्स को ड्रा करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑन द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस के ऊपर तुम क्या निकाल लो, एक्स एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेप्ट निकाल लो, वाई एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेप्ट निकाल लो, और जेड एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेप्ट निकाल लो। ओके, तो एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा इंटरसेप्ट कितना आया, पी ए आया, वाई एक्सिस के ऊपर मेरा इंटरसेप्ट आया क्यू बी आया, जेड एक्सिस के ऊपर मेरा इंटरसेप्ट आया आर सी आया। अब तुम्हें इसके अंदर जाना है तो इसके साथ प्रिमिटिव वेक्टर है, और मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, इंडिसेस, इंडिसेस का मतलब इंटीजर चाहिए, एच के एल, ये तीन इंटीजर से, इन तीनों इंटीजर की हेल्प से, इसका मतलब ये तीन इंटरसेप्ट से तीन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो मिलर ने क्या कहा, जो ये इंटरसेप्ट्स हैं ये तो मेरे को इसके साथ डायरेक्शन बता रहा है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, फंडामेंटल वेक्टर्स है, मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तुम्हें जो इंटरसेप्ट्स निकालने हैं इसको किस में कन्वर्ट करो, इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, और इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका जो फंडामेंटल वेक्टर है उसी से डिवाइड कर दो, इसका जो फंडामेंटल वेक्टर है उसी से डिवाइड कर दो, इसका जो फंडामेंटल वेक्टर है उसी से डिवाइड कर दो। तो मेरे पास इंटरसेप्ट तीनों एक्सिस के ऊपर आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर पी आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर क्यू आ गया, जेड एक्सिस के ऊपर मेरा इंटरसेप्ट आ गया आर। अगर अब तुम्हें इंटरसेप्ट लेने के बाद इसके अंदर जाना चाहते हो, अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है, इन इंटरसेप्ट का तुम क्या कर डालो, रेसिप्रोकल कर डालो, मींस टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस का भी, वाई एक्सिस का भी, जेड एक्सिस का, तभी तुम इसके अंदर जा सकते हो और फिर लैटिस प्लेन को स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो हमने क्या किया, जो तीनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट आया इनका क्या कर डाला मैंने, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। ओके, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर जो रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट आया मिलर ने उसको नाम दे दिया, दैट इज इक्वल टू एच। वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट आया उसको नाम दे दिया के, और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आया उसको नाम दे दिया एल। तो मिलर, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस आर द थ्री स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बन गया क्योंकि मैंने इसका
उल्टा कर दिया, उल्टा करते ही स्मॉल क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब मिलर इंडिसेस आर द थ्री स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज वैल्यू मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वली टू, मींस एच के एल आर द थ्री स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर हुज वैल्यू मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस इसके जो तीनों एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट आएंगे उनका क्या करना, हमें रेसिप्रोकल कर देना है। और जो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा वो उस एच आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर के आएगा और जेड एक्सिस के ऊपर एल आएगा। इसका मतलब मिलर के ये तीन इंटीजर थे और ये तीनों इंटीजर को उसने क्या डिफाइन किया, रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट कंसर्न ऑन द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन एंटर विद इन दैट सॉलिड। तुम इस सॉलिड के अंदर एंटर तो चले जाओगे। अब मेरे को क्या बनाना है, ये वाला प्लेन बनाना है। जैसे मैंने एच के एल, ये कोई प्लेन है एच के एल। अब मैं इस प्लेन, इसका मतलब टेक द रेसिप्रोकल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द रेसिप्रोकल, मैं वन बाई एच कर दू, वन बाई एच इस जो भी है एच, वन बाई एच इज इक्वल टू या तो इंटरसेप्ट गिवन मिलेगा, तो एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, मिलर प्लेन ये मेरे पास इंटरसेप्ट गिवन मिलेंगे, मेरे पास पी क्यू आर गिवन मिलेंगे। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, इसका मिलर प्लेन बनाना है। तो मिलर प्लेन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेक द रेसिप्रोकल, एच इज इक्वल टू क्या हो गया वन ओवर पी, के की वैल्यू क्या हो गई दैट इज इक्वल टू वन ओवर क्यू, और एल की वैल्यू क्या हो गई दैट इज इक्वल टू वन आर। जो भी तुम्हें पेपर के अंदर अगर ये चीज गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल को लिया तो मैंने यहां से उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां तक मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैं रेसिप्रोकल लूंगा और सॉलिड की लैटिस के अंदर पहुंच जाऊंगा। अंदर पहुंचने के बाद इसके अंदर मैं अब प्लेन को ड्रा करूंगा, कौन से प्लेन को ड्रा करूंगा, मिलर प्लेन को ड्रा करूंगा। और मिलर प्लेन क्या कहता है, उस एच के एल आर टू बी गिवन एंड एच इज इक्वल टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जैसे मेरे को ये प्लेन बनाना है, सपोज करो ये वाला प्लेन लेना है 1 0 1 0 1 1 और मेरे पास मैंने लिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दैट इज इक्वल टू 1 1 0। मीन्स ये क्या बनाना बताना चाह रहा है, मीन्स ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस एक फैमिली है, किसकी फैमिली है, इन प्लेन की फैमिली है ये। इस फैमिली के अंदर क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर दो एक्सिस पॉजिटिव हैं और एक एक्सिस की वैल्यू क्या है, जीरो है। इसमें ये वाला एक्सिस जीरो है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें ये वाला दोनों पॉजिटिव है, ये वाला जीरो है। तो अगर मेरे को इस फैमिली के ये वाला प्लेन क्रिस्टल के अंदर बनाना है तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने जैसे ये वाला लिया या ये वाला लिया, तो तुम्हें सबसे पहले ये क्या गिवन है, इंटरसेप्ट्स गिवन है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, तो यहां पे रेसिप्रोकल हो गया। अगर मेरे को इसका बनाना है 1 बाई 0 1 बाई 1, अगर इसका टेक कर रहे हैं तो 1 बाई 0 1 बाई 1 एंड 1 बाई 1, इसका बनाना है तो 1 बाई 1 1 बाई 1 एंड 1 बाई 0। इसका मतलब ये मेरे पास फैमिली है, इस फैमिली के अंदर और कोई ऐसा प्लेन नहीं हो सकता जिसके अंदर दो एक्सिस पॉजिटिव हो, एक जीरो, एक ही सोल्यूशन है उस चीज का। तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी और ये 1, ये क्या बन गया इन्फिनिटी 1 1, ये क्या बन गया 1 1 इन्फिनिटी। इसका मतलब इस केस के अंदर जो वाई एक्सिस है इनफाइनाइट, उसके हमें पैरेलल जाना है और इनफाइनाइट तक प्लेन काटने हैं। और कहां से काटने हैं, एक्स से चलना है वाई तक चलना है, एक्स वाई में ऐसे प्लेन काटना है, और कैसे काटते चलना है, ऐसे इस वाई के पैरेलल काटते चलना है एक्स में और जेड में। मीन्स एक्स और जेड ऐसे कटेगा, ये अगर मेरा एक्स है और ये जेड है तो वाई ऊपर है मेरा, तो मैं इसके पैरेलल ऐसे नीचे वाले फेस से ऊपर वाले फेस तक चला जाऊंगा काटता काटता। कितने प्लेन बनेंगे वो देखना है मेरे को। मेरे को सपोज करो ये वाला एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले मैंने एक यूनिट सेल को बना दिया, ये यूनिट सेल बना दी। इस यूनिट सेल के अंदर
एक प्रोसीजर है, और क्या प्रोसीजर है इसके, सबसे पहले सिलेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इसमें तीन दोनों एक्सिस पॉजिटिव हैं तो यहां पे कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना है, तीनों एक्सिस पॉजिटिव हैं तो यहां पे सिलेक्ट करना है, एक पॉजिटिव है तो भी यहां पे सिलेक्ट करना है, बाकी जीरो होने चाहिए। मींस मैं नेगेटिव कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा अभी, जिसके अंदर दोनों एक्सिस पॉजिटिव हो और थर्ड जीरो हो, थर्ड एक्सिस इज टू बी जीरो, थर्ड एक्सिस यहां पे थर्ड एक्सिस इज टू बी जीरो, तो एक्सिस इज टू बी सिलेक्टेड एट दैट पॉइंट। ऑल द थ्री एक्सिस आर टू बी पॉजिटिव, एक्सिस टू बी सिलेक्टेड एट हियर, वन एक्सिस इज टू बी पॉजिटिव, वन एक्सिस इज टू बी पॉजिटिव, एंड टू रिमेनिंग अदर टू रिमेनिंग इज टू बी जीरो, एक्सिस इज टू बी सिलेक्टेड हियर। कोई भी फैमिली के ऐसे प्लेन आ जाए, मैं सबकी बात कर दिए। तो इसमें सेकेंड वेव, अब इस जैसे मेरे को इस फैमिली को लेना है, मेरे को ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें टू एक्स इज पॉजिटिव एंड थर्ड वन इज टू बी जीरो, जो जिसमें जो भी एक्स इज जीरो हो उसको ऊपर लेना है, ये ध्यान देना। अगर इस ये प्लेन ड्रॉ करूंगा तो इसमें वाई को मैं ऊपर लूंगा, अगर मैं ये फैमिली ड्रॉ कर रहा हूं तो इसमें मैं एक्स को ऊपर लूंगा, अगर इस फैमिली को मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि इनफाइनाइट उसी के पैरेलल जाएगा, इसमें इस फैमिली को ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे को इसको यहां पे जेड लेना पड़ेगा, बस ये ध्यान देना है। मींस एक्सिस ऊपर वो लेना है जो जीरो हो, जो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट तक चल रहा है, नीचे से ऊपर तक चल रहा है। अब ये अगर मैंने ये वाला प्लेन ड्रॉ करना हो तो इस केस में मैंने जेड ऊपर लिया, अब साइकिल क्लॉकवाइज देनी है, क्लॉकवाइज देनी है तो एक्स ऐसे साइकिल चलेगी, एक्स वाई, ये वाई बन गया मेरे पास और ये जेड बन गया। अब इसका इंटरसेप्ट यूनिट सेल है तो इसका इंटरसेप्ट एक्स के ऊपर वन यहां पे आएगा, क्योंकि वन इज लेट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या कहती है, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब वन इसमें सारे के सारे इंटरसेप्ट जो आएगा वन वन वन, वाई के ऊपर वन। अब मेरे को काटना है नीचे वाले फेस से, नीचे वाला फेस मैंने, इसका मतलब मेरे पास एक यहां पे इंटरसेप्ट है और एक यहां से ये प्लेन काटना है, तो प्लेन ए लाइन पासिंग थ्रू दीज लैटिस पॉइंट आर कॉल्ड द लैटिस प्लेन, इसका मतलब ये मेरे पास ये प्लेन बनेगा, और नीचे वाले पे तो बन गया, ऊपर वाले पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एक्सिस होता है, अपोजिट इसका नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये वाला एक्सिस क्या बन गया, इसका माइनस जेड बन गया क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, तो ये वाला इसका क्या बन गया माइनस, ये पॉजिटिव एक्स है तो ये माइनस एक्स हो गया, ये पॉजिटिव वाई है तो इसका ये नेगेटिव वाई हो गया। अब इसका सेम वे, इसका नीचे से अब यहां पे देखना है कहां, नीचे वाला फेस तो मैंने काट दिया और कहां तक काटोगे, ऊपर वाले फेस तक काटोगे इस यूनिट सेल को, और तो कटेगा नहीं, इसके बाद तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब हमने कहां तक काटना है, यहां से काटना स्टार्ट करना है, और मैं काटता चला नीचे से, ऐसे काटता चला, ये ऐसे प्लेन निकलते चलेंगे इसके लैटिस पॉइंट में से, ऐसे पास करते चलेंगे, और कहां तक चलेंगे, ये ऊपर वाले फेस तक चलेंगे, और ये यहां तक मींस एक्स इज एक्स का इंटरसेप्ट यहां पे आएगा, वाई का इंटरसेप्ट यहां पे आएगा, और ये कटेगा यहां तक, ऐसे कटेगा, इसका मतलब हमें ये प्लेन कटेगा, और ये प्लेन कौन सा बन गया इसके अंदर, इस रेंज के अंदर ये कौन सा प्लेन बन गया मेरा, इस फैमिली का ये वाली ओरिएंटेशन का प्लेन बन गया, और इस ओरिएंटेशन के अंदर यहां से लेकर यहां तक कितने प्लेन आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन आ सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ दिस प्लेन, अगर इस प्लेन को तुम ड्रॉ करना चाहते हो तो मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, तो देखो इसको कैसे बनाओगे, इस प्लेन को बनाना है तो नाउ टेक ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लिया, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लेने के बाद एक यूनिट सेल को बना लो, एक्सिस को डिसाइड करो कि मैंने बोल दिया जिसमें दो एक्सिस पॉजिटिव हो यहाँ पे लेना है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा डिसाइड करोगे, इसमें मैं ये वाला प्लेन बना रहा हूं तो इसके इनफाइनाइट ऊपर, इनफाइनाइट ऊपर उठाना है, और इसमें इनफाइनाइट कौन सा, एक्स के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर एक्स लेंगे। अब दोनों पॉजिटिव है, ये भी मेरा साइकिल क्लॉकवाइज देनी है, एक्स ये वाई हो जाएगा, और ये मेरा पास कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ओके, तो इसमें इंटरसेप्ट कहां पे है, एक्स वाई के ऊपर, जेड के ऊपर, यहां से ऐसे कट जाएगा, कहां तक कटेगा, नीचे से काटते चलो, यहां पे वाई का इंटरसेप्ट यहां पे आएगा, जेड का इंटरसेप्ट यहां पे आएगा, यहां तक ऐसे कटेगा, सिर्फ इसके अंदर इस फैमिली के सारे प्लेन ऐसे कटेंगे, ऐसे ही कटेंगे,
लेकिन हमें क्या सिलेक्ट करना है, इसके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिलेक्ट करते टाइम पे ध्यान रखना है। अगर जिसमें फैमिली के अंदर दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, नेगेटिव वाले को हमेशा ऊपर लेना है और दोनों पॉजिटिव को नीचे लेना है। और उसकी इस मीन्स इस जो ऊपर ले रहा हूं मैं इसके पैरेलल जा रहा हूं प्लेन्स को काटते हुए, ये किस में कट गया, वाई जेड में कटेगा, ये किस में कट गया, एक्स वाई में कटेगा, किसके पैरेलल गया हूं, जेड के अंदर। इसमें कहां एक्स वाई और जेड में प्लेन को काटा, किसके पैरेलल काटा मैंने, एक्स के पैरेलल काटा और ये मेरे प्लेन बन गए। ऐसे मैं प्लेन काटता चला और कहां तक काटता चला, अपर सरफेस तक। इसमें कितने प्लेन हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। मीन्स ये क्या दे रहा है मेरे को, एक ओरिएंटेशन दे रहा है। किसकी ओरिएंटेशन दे रहा है, इस डायरेक्शन के, कौन से और डायरेक्शन के प्लेन की, वन इनफाइनाइट वन वन इस ओरिएंटेशन की। मीन्स और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज जीरो वन वन इस ओरिएंटेशन की। क्या बता रहा है, इस ओरिएंटेशन के अंदर ऑन दैट यूनिट सेल इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए प्लेन्स आर टू बी एग्जिस्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिलर इंडिसेस। मीन मिलर इंडिसेस क्या बताएगा, एक ओरिएंटेशन के अंदर हाउ मेनी प्लेन्स आर टू बी एग्जिस्ट विद इन द यूनिट सेल, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द मिलर इंडिसेस। सिमिलरली अगर मैं ये ड्रा करना चाहूं तो मैं नाउ टेक ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहां पर बना लो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाई, इस केस के अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने के बाद इसमें कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करना है। ऊपर किसको सिलेक्ट करोगे, इसमें ऊपर इसके अंदर किसको लोगे, जीरो वाले को ऊपर ले लो। जीरो कौन है इस केस में, इनफाइनाइट जो है कौन है, वाई है। अब मेरे को क्लॉकवाइज सिलेक्ट करना है तो मेरे पास मेरे को ये क्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई और ये मैं क्या लूंगा, जेड। अब इसका मतलब मेरा प्लेन किस में कटेगा, एक्स जेड में कटेगा और किसके पैरेलल कटेगा, वाई के पैरेलल कटेगा। इंटरसेप्ट यहां पे आएगा, इंटरसेप्ट यहां पे आएगा, मैंने प्लेन को ऐसे काट दिया। इसके पैरेलल काटता चला, पैरेलल काटता चला, पैरेलल काटता चला और कहां तक काटता चला, ऊपर वाले फेस तक काटता चला। मीन इस ओरिएंटेशन के अंदर ये कौन सी ओरिएंटेशन बन गई मेरे पास, 101। इस ओरिएंटेशन के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए प्लेन हो सकते हैं। सो मिलर इंडिसेस गिव द ओरिएंटेशन ऑफ ए लैटिस प्लेन विद इन द यूनिट सेल एंड लैटिस प्लेन गिव द ओरिएंटेशन ऑफ ए लैटिस प्लेन इन एनी पर्टिकुलर लैटिस, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द टू। दैट ऑल अबाउट माई लेक्चर एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई लेक्चर। थैंक यू।